हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली प्रोग्रामिंग। माय नेम इज विवेक गर्ग और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूं। दिस वन इन पर्टिकुलर इज बाय सिम्प्लीलर्न। तो सिम्प्लीलर्न भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, यू कैन बाय दोज कोर्सेज। तो ये जो जॉब है इज वेरी सिमिलर टू व्हाट बायजूस ऑफर्स। बीडीए का जो प्रोफाइल है या व्हाइट हैट जूनियर जो ऑफर करते हैं सेल्स मैनेजर का प्रोफाइल, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। सिम्प्लीलर्न जो प्रोफाइल अभी ऑफर कर रहा है दैट इज इनसाइड सेल्स मैनेजर। इसका सारा के सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द सीटीसी बीइंग ऑफर्ड, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू दैट राइट नाउ बिकॉज इट्स फ्री। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मोस्टली प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, प्लीज उस लिंक को जाके देखिए एंड यू वुड बी रीडायरेक्टेड टू द गूगल फॉर्म जिसके थ्रू हम सिम्प्लीलर्न का जो इनसाइड सेल्स मैनेजर प्रोफाइल है वहां पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दे आर हायरिंग फॉर इनसाइड सेल्स मैनेजर और इनका जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, अभी सेल्स जॉब है तो फर्स्ट स्किल इज प्रिटी ऑब्वियस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी कन्विंसिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली यू शुड बी अ पीपल्स पर्सन फॉर दिस जॉब। अब सेल्स जॉब है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ प्रेशराइज्ड जॉब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। आप इंजीनियर हैं, आपने बीबीए की हुई है, बीसीए की हुई है, कुछ भी किया हुआ, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो व्हाट इज द जॉब लोकेशन? जॉब लोकेशन है बैंगलोर या वर्क फ्रॉम होम। अभी इट इज वर्क फ्रॉम होम बट एक क्लॉज इन्होंने मेंशन किया हुआ, आई विल बी टेलिंग यू दैट अ लिटल लेटर। जो आपका सैलरी रेंज रहेगा दैट वुड बी 4 to 7 LPA। अब ये जो रेंज है 4 to 7 LPA, दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, 4 LPA इज फॉर द फ्रेशर्स। अब इसमें एक और चीज़ है यहाँ पे, जो सीटीसी मेंशनड है मतलब 4 to 7 के रेंज में रहेगी या 4 LPA फॉर फ्रेशर्स, तो उसमें एक चीज़ है दैट इज 75 to 25। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? 75 टू 25 का यहाँ पे मतलब है कि आपकी जो 75% ऑफ द सैलरी है दैट वुड बी फिक्स्ड। दैट मीन्स कि अगर 4 लाख आपकी सीटीसी है उसका 75% आपको मिलेगा ही मिलेगा पर ईयर एंड 25% वुड बी वेरिएबल पोर्शन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि 25% आप अगर टारगेट्स पूरा कर पा रहे हो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा द अदर 25, राइट? अभी नेक्स्ट इज कि आपका काम क्या रहेगा। सेल्स जॉब है तो काम आपको समझ आ ही गया होगा, नए कस्टमर्स को एक्वायर करना या पुराने जो लीड्स हैं, जो आपके पास लीड्स आए थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स, उनको कन्वर्ट करना टू परमानेंट कस्टमर्स, मतलब जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो। बाकी यहाँ पे दिया हुआ सारा जो है बेसिक, यू नो दैट कि सेल्स मैनेजर का प्रोफाइल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है, तो आपको उनको पैसे कमा के देने पड़ेंगे, उनके कोर्सेज बेचने पड़ेंगे। दैट्स अबाउट इट। मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग। अब जो आप गूगल फॉर्म है वहाँ पे ही नीचे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फिल योर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यू विल हैव टू फिल दैट। सपोज यहाँ पे मेरा ग्रेजुएट है तो आई वुड बी सिलेक्टिंग ग्रेजुएट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पास आउट ईयर। मैं 2020 पास आउट हूँ तो मैं 2020 लिखूंगा। करंट लोकेशन जैसे मैं अभी पंजाब में हूँ तो आई वुड बी राइटिंग पंजाब हेयर, जो मेरा सिटी है, विद दैट। सेल्स एक्सपीरियंस अगर है, नहीं है तो नो, इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो नो सिलेक्ट करेंगे। इनबाउंड सेल्स एक्सपीरियंस एंड आउटबाउंड सेल्स एक्सपीरियंस, उसका क्या मतलब है? अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनबाउंड सेल्स का क्या मतलब है और आउटबाउंड सेल्स का क्या मतलब है। वैसे तो काफ़ी कुछ है इसमें बट मैं आपको बेसिक सा जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको वो बता देता हूँ। इनबाउंड सेल्स क्या हो गई? When the customer is coming to you to buy your products, to know about your product, right? Outbound sales क्या हो गई? जब आप customer को reach कर रहे हो, अपना product pitch in कर रहे हो। That's my way of understanding inbound sales and outbound sales. तो अगर आपका experience है इनमें से कोई भी, you can mention that here. उसके बाद number of years, आपका कितने साल का experience है? अगर आपका कोई नोटिस पीरियड है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी कंपनी राइट नाउ, तो आपका कुछ नोटिस पीरियड होगा 1 महीने का, 2 महीने का, या कुछ इससे भी ज़्यादा। तो यू कैन, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर द सिनेरियो इज, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, आपको मेंशन करना होगा कि आपका सीटीसी क्या है, जो करंट सीटीसी है वो क्या है। सपोज आप अभी जिस जॉब पे हो सेल्स एग्जीक्यूटिव की, दे आर ऑफरिंग यू 6 LPA, तो यू वुड बी मेंशनिंग 6 LPA है। जो मैंने आपको ऊपर क्लॉज बताया था कि हमारे पास एक क्लॉज है यहाँ पे बैंगलोर एंड वर्क फ्रॉम होम वाला, दैट इज हियर. अगर उनकी रिक्वायरमेंट हो आर यू विलिंग टू वर्क इन बैंगलोर, बैंगलोर ऑफिस में आप काम करने के लिए विलिंग है या नहीं, अगर वो आपको बुलाते हैं टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, इफ यू आर विलिंग सिलेक्ट येस, otherwise depending upon your choice yes, no or maybe. Right, moving on, same question, can you join immediately, yes, no, maybe select कर दीजिए. उसके बाद last में you'll have to upload your resume and then submit and इसका application process पूरा हो गया. That's about the application process, eligibility criteria and salary being offered. तो that's all. I wish you all the best. If you like the video, please give it a big fat thumbs up. Also share with your friends. And for similar job updates, you can subscribe to our channel. Follow me on Instagram and join our Telegram channel as well. All these links would be available in the description box, as well as you would be able to see them up here on the screen somewhere. So bye-bye. Take care. All the very best. I'll see you.